गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रिया, आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे वी विल डू डिवीजन सम्स। बच्चों आज हम डिवीजन के सम्स कर रहे हैं। बेटा ये साइन होता है आपके डिवीजन के सम्स का। तो देखो फर्स्ट सम करेंगे बच्चे, हमें 8 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक 40 ना आ जाए। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। तो देखो बेटा 8 का टेबल मैंने 5 तक पढ़ा तो कितना हो गया 40। 40 को 40 में से माइनस कर देंगे, इस 0 या क्रॉस, आंसर इज 5। तो सभी बच्चे आंसर लिखेंगे, आंसर इज 5। देखो बेटा हमने 8 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक 40 ना आ जाए। तो देखो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। 40 में से 40 माइनस करें, 0, आंसर इज 5। अब बेटा हमने 9 का टेबल पढ़ना है तब तक जब तक 27 नहीं आ जाता। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27। देखो 9 का टेबल मैंने कहाँ तक पढ़ा, 3 तक, तो 3 लिखा ऊपर, 9 3 27, तो 27 नीचे, 27 में से 27 माइनस इज 0, आंसर इज 3। 9 का टेबल बेटा देखो 3 तक पढ़ा, देखो 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27। 9 का टेबल जब 3 तक पढ़ा तो आता है ना 27, तो 9 3 3 हमने लिखा है। अब 9 3 27, 27 में से 27 माइनस इज 0, आंसर इज 3। ऐसे अब हमें 10 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक 19 आ जाए। तो 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90। तो देखो 10 का टेबल मैंने कहाँ तक पढ़ा, 9 तक, तो कितना आ गया बच्चों 90। 90 में से 90 माइनस कर दो, इज 0 या क्रॉस, और आंसर इज 9, आंसर इज 9। 10 का टेबल 9 तक पढ़ा, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90। तो आंसर इज 9। ऐसे हमें 4 का टेबल पढ़ना है जब तक 24 ना आ जाए। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। 4 का टेबल 6 तक पढ़ रहे हैं तो आंसर आ रहा है 24। माइनस कर देंगे 24 में से 24, इज 0, आंसर इज, आंसर क्या आएगा 6। 4 का टेबल हमने 6 तक पढ़ा तो आया 24। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे। अब हमें 7 का टेबल पढ़ना है। सभी को पता है ना बाहर जो भी नंबर बाहर की साइड होगा उसका टेबल पढ़ते हैं जितना नंबर अंदर तक होता है। तो हमें अभी 7 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक 49 ना आ जाए। तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। 7 का टेबल बेटा हमने 7 तक पढ़ा तो आ गया 49, आंसर इज, आंसर क्या आ गया 7। देखो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। तो 7 का टेबल हमने 7 तक पढ़ा तो आया 49। ऐसे ही नेक्स्ट सम करेंगे 6। अब हमें 6 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक 48 ना आ जाए। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। तो 6 का टेबल बेटा हमने 8 तक पढ़ा तो कितना हो गया
एट। 48 में से 48 माइनस जीरो या क्रॉस, आंसर इज 8। 8 कैसे आया? क्योंकि हमने 6 का टेबल पढ़ा जब तक 48 नहीं आता, तो 6 का टेबल जब हम 8 तक पढ़ेंगे तो आएगा 48। दोबारा से देख लेते हैं, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। तो आंसर इज 8। सभी बच्चे घर पर डिवीजन के सम्स की प्रैक्टिस करेंगे और ये सम्स अपनी कॉपी में करेंगे। थैंक यू।